आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे दिल्ली सरकार में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय हॉट टॉपिक बना हुआ है, चूंकि शांति भूषण साहब ने जो सवाल खड़े किए थे उस पर क्या कुछ कार्रवाइयां आप लोग कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली में तो अब जनता कार्रवाई करेगी। दो आइडियोलॉजी चल रही है। एक तरफ एक आइडियोलॉजी कह रही है कि महिलाओं को चार बच्चे पैदा करने चाहिए, लड़कियों को जींस नहीं पहननी चाहिए, महंगाई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, करप्शन स्टेटहुड इशू नहीं है, ये सारे उसके लिए इशूज ही नहीं है। और धर्म वापसी चल रही है, नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाने की आइडियोलॉजी चल रही है। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी चल रही है बिजली भी सस्ती करनी है, पीने का साफ पानी घर घर तक पहुंचाना है, नए स्कूल अस्पताल खोलने हैं, ये सारी आइडियोलॉजी चल रही है, महंगाई कम करनी है, महिलाओं को सुरक्षित करना है। तो अब किरण बेदी जी को तय करना है कि वो कहां खड़ी है। वो इंडिविजुअली अच्छी हो सकती है, वो शांति भूषण जी को अच्छी लग सकती है, पर किरण बेदी जी को तय करना है कि उन्होंने तय कर लिया कि वो कहां खड़ी है, तो अब उनकी मर्जी है। किरण बेदी ने भी सवाल ये खड़े किए कि लोकपाल बन चुका है लेकिन नियुक्तियां होनी बाकी हैं, कब होंगी? 48 साल से देश लोकपाल का इंतजार कर रहा है। उनकी सरकार आई थी, उनकी पार्टी की, कहती कि कम से कम लोकपाल तो बना दो, लोकपाल नियुक्त तो कर दो, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगी, तो वो भी नहीं किया उन्होंने। यानी सवाल खड़े हो रहे हैं अभी भी, क्या लग रहा है किरण बेदी के आने का? सवाल तो है ही कि जो किरण बेदी जी कल तक ये कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ब्लैक मनी से चलते हैं, अपने फंड्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, इनको वोट देना गद्दारी है, आज वो गद्दारी कैसे खत्म हो गई? आज वो तो उनके साथ खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी तो अब भी यही कर रही है, आज भी 80% फंडिंग उसकी ब्लैक मनी से होती है। जो पार्टी ब्लैक मनी से फंडिंग से चलती है वो पार्टी भला ब्लैक मनी के खिलाफ कैसे काम करेगी और ब्लैक मनी वालों के खिलाफ कैसे काम करेगी? तो आज किरण बेदी जी कैसे चली गई वहां, अब उनको तय करना है जी। चलिए आपकी विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पुराने सहयोगी जो कि पहले लक्ष्मीनगर से एक वालिया को रहा था, अब आपके सामने खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप उनको, बेन्नी को? देखिए, यहाँ तो चुनाव मुझे भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से लड़ना था और कांग्रेस की पॉलिसी से लड़ना था, दोनों की पॉलिसी एक जैसी है। पिछली बार पटपड़गंज की जनता ने मेरा साथ दिया था कि हम इस पॉलिसी में आपके साथ हैं, इस बार भी वो देने वाली है, किसी को लड़ाओ वो, उससे क्या फर्क पड़ता है? भरोसा है मनीष भाई को अपनी पटपड़गंज विधानसभा को लेकर या फिर दिल्ली में, क्योंकि कहने की जिम्मेदारी दिल्ली की भी है? 100% पटपड़गंज के लोग मेरा साथ दे रहे हैं और 100% इस बार आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो साफ तौर पर है मनीष भाई का यही कहना है कि 100% दिल्ली की जनता उनका साथ दे रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन वहीं किरण बेदी भी तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन मोहम्मद गुलशन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने पिछले बार 28 सीटें जीती थी, इस बार देखिए नतीजा क्या रहता है, 10 फरवरी को पता चलेगा। एक